अब तक हमने जो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड वाले लेसन में से आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स पढ़ लिए आज की वर्कशीट में हम विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं विटामिनस आर द सब्सटेंसेज विच आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी देर आर नंबर ऑफ विटामिन लाइक ए बी सी डी ई एंड के विच आर बॉडी नीड एंड ईच ऑफ़ दीज इज़ फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स एंड एज ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले फॉर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी विटामिन जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में कई तरह के विटामिन जो है पाई जाती हैं या जिनकी आवश्यकता होती है उनके नाम है ए बी सी डी ई और के। इनके लिए जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके द्वारा ही ये हमारे शरीर में पहुँचती हैं और हमारे शरीर में इनकी हर किसी की एक विशिष्ट भूमिका है लाइक यू कैन सी विटामिन ए वी आर गेटिंग फ्रॉम कैरेट मैंगो cod liver oil, butter etc. and it is good for our eyes, hairs and skin Vitamin B we are getting from yeast, milk, fish, green vegetables and it is used, function of it is for proper functioning of muscles and nerves and growths Vitamin C, the citrus fruits, lemon, orange, guava, amla, tomato and good for teeth and gums and for the your immune system also, resistance against the disease एंड विटामिन डी मिल्क बटर कोडलीवर ऑयल एक्सपोजर टू सनलाइट दे आर हेल्पफुल फॉर बोन्स एंड टीथ टू बिकम स्ट्रॉन्ग बाई यूजिंग कैल्शियम तो विटामिन ए जो है हमें गाजर आम इन सब चीज़ों से मिल रही है जो आँखों और बाल एवं त्वचा के लिए उत्तम है विटामिन बी आपको ईस्ट मांस मछली दूध हरी सब्जियाँ इनमें मिलती है जो कि आपकी मांसपेशियों एवं तंत्रिका वृद्धि के लिए चाहिए विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में होते हैं नींबू नारंगी अमरूद टमाटर जो आपके दांत मसूड़ों को स्वस्थ रखने हेतु जो है काम करती है और विटामिन डी जो है दूध मक्खन कोड लिवर ऑयल धूप से संपर्क में जो है बनती है जो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत करने में सहायता करती है कैल्शियम को इस्तेमाल करते हुए अगला है हमारा मिनरल्स मिनरल्स मीन्स खनिज और लवण दीज आर नीडिड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड दे हेल्प इन बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसिस दे आर ऑलसो ऑप्टेन फ्राम बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल फ्लू एंड प्लांट्स एब्जो मिनरल्स फ्राम सोयल्स एनिमल फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स ऑल्सो फूड कंटेंस मिनरल्स खनिज लवन भी हमें विटामिनस की तरह हमारे शरीर में कम ही मात्रा में आवश्यकता होती है और हमारे शरीर को ये कहाँ से मिल रहे हैं आपको पौधों से और जानवरों से पौधों में ये कहाँ से आ रहे हैं ये जो है मृदा से आ रहे हैं पौधे जो है पानी को अवशोषित करते हैं उसके साथ में और जानवरों में भी जो है ये पौधों के द्वारा ही जा रहे हैं फर्स्ट यू टॉक इट इज़ कैल्शियम द सोर्स इज मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इट इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ्स हेल्प्स ब्लड टू क्लोट फॉस्फोरस विच वी आर गेटिंग फ्रॉम मीट फिश एंड एग्जिस्ट फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ आयरन इज लिवर मीट ग्रीन वेजिटेबल्स मेकिंग ड इन द बॉडी एंड आयोडीन इज द सी फूड आयोडाइज सॉल्टेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ कैल्शियम दूध और हरी सब्जियों से हड्डी और दाँतों के निर्माण एवं रक्त में जो है थका जमाने के लिए उसकी क्लोटिंग करने के लिए फॉस्फरस मांस और मछली अंडे से मिलता है हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए होता है आयरन लीवर और मांस और हरी सब्जियों से शरीर के रक्त निर्माण के लिए आयोडिन जो है समुद्री खाद्य पदार्थ या आयोडिन युक्त नमक जो है शरीर की वृद्धि के लिए आपने देखा ये सारी चीज़ें जो है कितनी आवश्यक हैं चाहे कम मात्रा में चाहिए लेकिन अशेंशियल हैं ये क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं पहला क्वेश्चन है नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रोंग तो इसमें आपका आंसर है विटामिन डी विच विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी विच इज फाउंड इन सी फूड इट इज आयोडीन हाउ कैन हैविंग कैरेट हेल्प इन इम्प्रूविंग आइज कैरेट प्रोवाइड्स विटामिन एच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आइस आई वाई डू वी नीड कैल्शियम कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉग इफ यू ईट फिश मीट एंड गोआवास आर द वि आर गेटिंग फॉर फिश एंड मीट वी आर गेटिंग विटामिन बी एंड गोआवास विटामिन सी बिकॉज इट इज सिट्रस इन नेचर हिंदी में देखते हैं प्रश्न उत्तर हड्डी और दांतों को मजबूत करने के लिए विटामिन जो आवश्यक है उसका नाम है विटामिन डी उसके बाद विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाती है समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है उसका नाम है आयोडीन गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिलती है क्योंकि गाजर विटामिन ए प्रदान करता है जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करता है हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है क्योंकि हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है यदि आप मछली मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में प्राप्त कर सकते हैं तो अगर फिश और मीट है तो विटामिन बी मिल रही है और अमरूद है तो विटामिन सी तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी देखने के लिए धन्यवाद